उल्लासनगर में आज 4 सितंबर के दिन कोरोना के नए 27 मामलों की जानकारी मिली है। इसी के साथ शहर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 7,950 पहुंच चुकी है। वहीं आज 31 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है। इसी के साथ कोरोना मुक्त हुए कुल लोगों की संख्या 7,285 पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 232 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय शहर के 432 लोग एक्टिव हैं, जिनमें से कोविड केयर सेंटर में 136, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 51, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 51, होम आइसोलेशन में 69 व उल्लासनगर वनपा क्षेत्र के बाहर 125 लोगों का इलाज चल रहा है। आज जिन 27 मामलों की जानकारी हमें मिली है, उसमें कैंप नंबर 1 से 3 मामले शामिल हैं, जिसमें प्रियदर्शनी अपार्टमेंट गोल मैदान परिसर से 1, साधुबेला स्कूल के पास परिसर से 1, सेंचुरी रैन मुरबार रोड परिसर से 1 मामला शामिल है। वहीं कैंप नंबर 2 से आज 1 मामले की जानकारी मिली है, जो आजाद नगर परिसर का बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 3 से आज 10 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें बैरक नंबर 997 परिसर से 1, स्वामी आंचल आशियाना परिसर से 3, कांता सागर कारपोरेशन रोड परिसर से 1, राम निवास सेक्शन 23 परिसर से 1, सम्राट अशोक नगर परिसर से 2, बैरक नंबर 1912 शांति नगर परिसर से 1, चोपरा कोर्ट के पीछे परिसर से 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 4 से आज 6 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें काली माता मंदिर के पास परिसर से 1, सेंट्रल पार्क होटल के सामने परिसर से 1, मराठा सेक्शन परिसर से 1, सुमन अपार्टमेंट पंचायती हॉल के पास परिसर से 1, 5 पांडव कॉलोनी परिसर से 1, सुगंधा रेसिडेंसी बाई बाबा साई नगर परिसर से 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 5 से 6 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें बैरक नंबर 1870-39 सेक्शन परिसर से 1, नेताजी स्कूल के पास परिसर से 1, विट्ठल पैलेस प्रभात गार्डन के पास परिसर से 2, बैरक नंबर 1874 वैष्णो होटल के पास परिसर से 1 व नूतन नगर परिसर का 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं शहर का एक और अन्य मामला है। टाउन दर्शन इसी तरह से रोज आपको अपडेट देता रहेगा। यह अपडेट जानने के लिए जल्द से जल्द टाउन दर्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।